हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट मिलना चाहिए, वो बात समझ में आ गई। अब विकास के लिए वोट मिलना चाहिए। कितने बड़े आंकड़े, क्या गति है, क्या पैमाना है जिसके ऊपर विकास हुआ है, तो इसके बारे में लोगों को बताना, तो हमारी दूसरी कसौटी पे भी हम खरे उतरते हैं। तीसरी बात मैंने कही थी लोक कल्याण। आप कोई वर्ग उठाकर देख लें, जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है तो हमारी जवाबदेही ये बताना कि हमने एक वर्ग भी नहीं छोड़ा। अगर सबके विकास की बात की तो सबका विकास किया। यहां तक गरीब की बात, तो उसी से शुरू करते हैं। कितने वर्षों से ये मांग चली आ रही थी कि सवर्ण गरीब के बच्चों को भी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। सरकारें दर सरकारें बदलती गई लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में 1% भी कमी किए बिना उस आरक्षण को बरकरार रखते हुए सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 10% का आरक्षण देने का काम किया है। मोदी है तो मध्यम वर्ग। कितने वर्षों से मांग चली आ रही थी कि 5 लाख की आय तक आयकर सीमा से छूट होनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख की आमदनी है कुछ नहीं है, अगर लगाओ तो 1 महीने में 50,000 भी नहीं आते, 5,000 सालाना। बहुत वर्षों से मांग चली आ रही थी लेकिन पिछले बजट में मोदी जी ने घोषित करवाया कि 5 लाख तक की आय को आयकर सीमा से मुक्त किया जाता है। मोदी है तो पिछड़ा वर्ग। एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना हुआ था, आयोग बना हुआ था। ओबीसी वालों को जब से 27% का आरक्षण मिला तो कहते थे हमें भी आयोग दो। केवल आयोग नहीं बनाया बहनों, पिछड़ा वर्ग के आयोग को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। मोदी है तो एससी। जहां तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है उसमें सबसे उपेक्षित और वंचित कोई वर्ग है तो वह सफाई कर्मचारी, जो सफाई करते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ वाल्मीकि कहते हैं, किसी के यहाँ अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आपने देखा प्रयागराज के कुंभ में उन सफाई कर्मचारियों के चरण धोकर के सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी है। मोदी है तो। और इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो केवल शेड्यूल्ड कास्ट के नेता नहीं है, वो भारत के महान सपूत हैं। ये स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जगहें छाटी जो उनसे संबंधित थी। उनकी जन्मस्थली मऊ, उनकी शिक्षा स्थली लंदन, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, उनका देहांत जहां हुआ निधन भूमि दिल्ली, और जहां उनका संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई। और पांचों को पंच तीर्थ का नाम दिया और पंच तीर्थ करके उनका निर्माण करवाने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसा सम्मान पहले कभी नहीं मिला था। ये मोदी है तो मोदी है। और आपके तो खुद सांसद यहां बैठे हैं, वो वहां जो पार्लियामेंट्री कमेटी है एससी एसटी उसके वो अध्यक्ष हैं, और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। जो आरक्षण पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे होता था, डिपार्टमेंट लेवल पे करने की बात आपने रुकवाया, आपने रुकवाया। शेड्यूल ट्राइब्स की बात, क्योंकि एक बार शेड्यूल ट्राइब्स का, शेड्यूल ट्राइब्स की बात। सबसे ज्यादा परेशानी क्योंकि दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं वो, उनके बच्चों की पढ़ाई की थी। तो महाभारत से प्रसंग लिया, आचार्य द्रोण की प्रतिमा रख करके एकलव्य पढ़ा था, तो एकलव्य नाम से 850 स्कूल उन जगह पर सारे जो आदिवासी क्षेत्र में बनाए ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, विस्तृत लर्निंग और एकलव्य मॉडल के साथ उनकी पढ़ाई का काम किया। मोदी है तो। अल्पसंख्यक, लोग कहते थे कि मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी हैं, बाकी सबका करेंगे, सबका साथ सबका विकास में मुसलमान तो छूट जाएगा। बहनों आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है, अभी 19-20 फरवरी को सऊदी अरब के प्रिंस आए थे, क्राउन प्रिंस। उनके पिता जो किंग हैं वो 2 होली मॉस्क मक्का और मदीना के संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। उनसे कहकर हज का कोटा 2 लाख करवाया, पहली बार एक साथ इतना कोटा बढ़वाने वाले
मोदी है, मोदी है तो और यहाँ बैठी होंगी कुछ हमारी मुस्लिम बहनें जो पीड़िता होंगी ट्रिपल तलाक। कब से ये पीड़ा सह रही थी? शादी करो और तलाक 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 तीन बार कह के पत्नी को घर से बाहर कर दो, जिंदगी से बाहर कर दो। ट्रिपल तलाक का कानून लोकसभा से पारित करवाया, राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन कौन करवा सका इस पीड़ा को समझकर? मोदी है तो मुमकिन। तो सभी वर्गों के बारे में मैंने आपको बताया, गरीब मध्यम वर्ग पिछड़ा वर्ग एसटी एसटी एक भी वर्ग उनकी आंख से अछूता नहीं रहा। तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की कसौटी पर हम 100% खड़े उतरे, बल्कि 100 से ज्यादा, देश के विकास की कसौटी पर 100% उतरे, शायद 100 से ज्यादा, और लोक कल्याण की कसौटी पर भी हम 100% उतरे, शायद 100 से ज्यादा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये तीन जो कसौटियां हैं वो लोगों को बतानी है, मगर चौथी चीज बहुत बड़ी है। मोदी जी ये 5 वर्षों में इतना काम इतनी तेजी से कैसे कर पाए, ये एक प्रश्न है, तो उसका एक ही उत्तर है, क्योंकि मोदी जी के पास संपूर्ण बहुमत की सरकार थी। अगर आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं बिना बहुमत के तो बहुत दबाव झेलने पड़ते हैं, और मैंने देखा है अटल जी की सरकार में मैं मंत्री थी, अटल जी बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत सपने थे उनके, सब कुछ नहीं कर पाए, कुछ कर पाए क्योंकि कोई फिर की गई। मोदी जी सब कुछ इसलिए कर पाए कि उनके पास पूर्ण बहुमत था, 2014 में 282 सीटें देकर के भाजपा को जिताया था देश ने, और एनडीए को मिलाकर के 300 से कहीं ऊपर हम लोग पहुंच गए, 350 से ऊपर पहुंच गए, तो एक अपार बहुमत था। बहनों लोगों को बताने की बात है कि बहुमत वाली सरकार के नेता का हौसला ही अलग होता है, उत्साह ही अलग होता है, कोई दबाव नहीं होता, इसलिए मोदी जी साहसिक फैसले ले सके, निर्णायक कदम उठा सके। आज भी देश के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो कंफर्टेबल मेजोरिटी की जरूरत, पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा के तौर पर भी और भाजपा के सहयोगियों को मिलाकर प्रचंड बहुमत की सरकार। इसलिए मैं आपसे कहने आई, ये सारे तर्कों को लेकर जो आंकड़े दिए हैं उनकी जानकारी लेकर घर 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 घूम जाइए, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, कमल का एक बटन दबाओगे यहाँ से तो किरीट सोलंकी के मिलेंगे और वहां प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। तो सांसद के रूप में किरीट भाई, सांसद के रूप में हसमुख भाई, सांसद के रूप में अमित भाई, और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई, तो चार भाई एक साथ, एक बटन एक दबाना, एक बटन से चार लड्डू, जहां रहनी वहनों को तो चार ही है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को यही कहिए कि देखिए राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखना है, राष्ट्र में तेजी से विकास करना है, जनता का कल्याण करना है, तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने की जरूरत इतनी है कि पूर्ण बहुमत भाजपा को मिले, एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर अपार बहुमत मिले, और इसलिए जाइए कमल का बटन दबाइए और यहाँ से किरीट भाई को जिताइए, पूरब से हसमुख भाई को जिताइए, गांधीनगर से अमित भाई को जिताइए, और पुनः नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाइए, गुजरात का गौरव, देश का गौरव। बहुत बहुत धन्यवाद।